Hello students, welcome in mathematics class. Here I am Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics. In this class we will continue the chapter coordinate geometry for class 10. Previous class mein we will already discuss the section formula. In this class we will try to discuss some problems on exercise number 7.2, which belongs to section formula. In exercise number 7.2, the first question is find the coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3. Here let's calculate the point A 1-4 and B 4-3, and the ratio n:8 is given 2:3. Here x1 is equal to -1, y1 is equal to 7, x2 is equal to 4, y2 is equal to -3, n is equal to 2, and n is equal to 3. Then by section formula, x is equal to mx2 plus mx1 by m plus n. Here the value of m is 2, x2 is 4 plus m is 3, and x1 is -1 by 2 plus 3 equal to 8-3 by 5 is equal to 5 by 5 is equal to 1. इस तरह से हम लोगों ने x का वैल्यू निकाला, एंड y is equal to m y 2 plus m y 1 by m plus n. The value of m is 2 and y 2 is -3 plus 3 into y1 is 7 by 2 plus 3 equal to -6 plus 21 by 5 is equal to 15 by 5 equal to 3. Good. Hence the required point, one and three. Okay. Now question number two. In question number two, find the coordinates of the point of trisection of a line joining 4-1 and -2, -3. यहाँ पर दो पॉइंट दिया गया है. सपोज किया गया पॉइंट ए जो है वो 4-1, एंड सेकंड पॉइंट को बी सपोज किया गया जो कि 2-2 and -3 है. तो दिस लाइन इज लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. ट्राइसेक्शन का मतलब होता है तीन इक्वल पार्ट में बढ़ना. तो यह जो थ्री पार्ट बढ़ता है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि पी एंड क्यू जो है वो लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहा है. देयरफॉर पी डिवाइड्स ए बी द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 1:2. So, by section formula, x is equal to mx2 plus mx1 by m plus n. यहाँ पर m का वैल्यू हो जाएगा 1, and x2 is -2 plus n जो होगा वो 2 होगा into x1 is 4. By 1 plus 2, -2 plus 8 by 3 is equal to 6 by 3 equal to 2. And y is equal to m y 2 plus m y 1 by m plus n. यहाँ पर n का वैल्यू जो होगा वह 1 है, and y 2 जो है वो -3 है, प्लस n 2 है, और
वन प्लस टू इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस माइनस टू बाय थ्री इक्वल टू माइनस फाइव बाय थ्री। दस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी जो होगा वो टू एंड माइनस फाइव बाय थ्री। आप सिमिलरली एंड क्यू जो है ऑल्सो लिख सकते हैं, ऑल्सो क्यू डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो टू इज टू वन। यहां से यहां तक पार्ट टू पार्ट है और ये वन पार्ट है, ये टू इज टू वन के रेशियो डिवाइड करेगा। और जैसे हम लोग पी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं वैसे ही आप क्यू का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि टू कंडक्ट ए स्पोर्ट्स डे एथलीट्स इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ए बी सी डी, जो कि यहाँ बोर्ड पर दिख रहा है रेक्टेंगुलर शेप में ए बी सी डी एक ग्राउंड है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर ईच एंड हंड्रेड फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड, हंड्रेड फ्लावर पॉट्स को प्लेस किया गया है। And one each flower pot is placed at a 1 meter from each other along the AD. Currently, Harika runs 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. And Preet runs 1/5 of the distance AD on the eighth line, posted red flag. What is the distance between the both flag? दोनों flag के बीच की दूरी क्या होगी? ये हम लोग को find करना है। तो सबसे पहले for Niharika coordinates क्या होगा? Coordinates is equal to x axis पर 2 है and y axis पर है Niharika जो है वह 1/4 करती है, तो 1/4 ऑफ 100 दैट इज 25, यानी कि निहारिका का के लिए क्वाड्रेंट हो गया 225 एंड फॉर प्रीत कोऑर्डिनेट्स जो होगा वो है एट लाइन पर है और डिस्टेंस कॉमन करती है 1/5 ऑफ 120, तो इसके लिए हो गया 820 कोऑर्डिनेट। तो निहारिका के लिए कोऑर्डिनेट हो गया 225 एंड प्रीत के लिए हो गया 820, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर से हम इसको फाइंड कर लेंगे। जब ये फाइंड हो जाता है, डिस्टेंस निकल जाता है, देन इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ रश्मि हैज टू पोस्ट द फ्लैग ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ द बिटवीन, ठीक है, हाफ में, यानी कि इसके बीच में रश्मि कहीं ना कहीं पर फ्लैग पोस्ट कर रही है, तो मिड वैल्यू निकाल देंगे। एक ये निकल जाएगा फॉर रश्मि coordinates let the required point be xy. तो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप x इज इक्वल x1 प्लस x2 बाय 2 से फाइंड कर लीजिएगा एंड y इक्वल टू y1 बाय 2 से आप इसके लिए कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ जो आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कीजिएगा, क्यों? क्योंकि हाफ में है, बीच में है, यानी कि रेशियो यहाँ पर 1:2 होगा। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।